गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आज हम जीके में लेसन नंबर 2 करेंगे अमेजिंग एनिमल्स। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पेसिस ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट पर हज़ारों प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। सम ऑफ देम एनिमल्स की, सम ऑफ देम आर कॉमन वाइल सम आर रेयर एंड यूनिक, कुछ सामान्य होती हैं और उनमें से कुछ होती हैं जो दुर्लभ और अनोखी होती हैं। गिवन बिलो आर सम रेयर एनिमल्स, और आज हम इन्हीं जो कि अनोखी जातियाँ हैं इन्हीं एनिमल्स का ही आगे जो दी गई हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिफाई देम विद द हेल्प ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, और जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी है इसमें से हमने छांट करके लिखना है। फर्स्ट है, दिस एनिमल हैज़ द हेड ऑफ अ काओ, इस एनिमल का जो हेड होता है काओ की तरह, स्केल्टन ऑफ अ बाइसन, स्केल्टन जो कंकाल होता है वो बाइसन की तरह, एंड द टेल ऑफ ए हॉर्स, और जो टेल है जो पूंछ होती है वो हॉर्स की तरह, एंड द हेयर ऑफ ए गोट, और जो हेयर्स होते हैं वो गोट की तरह होते हैं, एंड ड्रंट्स की तरह, लाइक अ पिग, एंड ड्रंट्स लाइक अ पिग, और जो इसकी आवाज़ होती है वो पिग की तरह होती है। इसका नाम है योक। सेकेंड है हमारा, इट इज़ अ लॉन्ग आर्म्ड एप, ये एक लंबी बाजुओं वाला बंदर होता है, मोस्टली फाउंड इन साउथ ईस्ट एशिया इन बोर्नियो और सुमात्रा, ये सुमात्रा में और साउथ ईस्ट एशिया के बोर्नियो के साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ये है ओरेंगटन। नेक्स्ट है, इट इज़ अ हेयरी एनिमल, ये बालों वाला एनिमल होता है, इट इज़ फाउंड इन ग्रीनलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका, ये ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग मस्की ऑडोर, और इसके अंदर से बहुत तेज़ कस्तूरी की खुशबू आती है, ये है मस्क ओस्क। नेक्स्ट है, इट बिलोंग्स टू द कैट फैमिली एंड इज़ द लार्जेस्ट अमेरिकन कैट that looks like a leopard, it is mostly found in central and south america, ये जो है belong करता है cat family से, और सबसे largest american cat, ये सबसे बड़ी american cat है और leopard की तरह दिखाई देती है, और ये मध्य अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाती है, ये है जैगोर। नेक्स्ट है, इट बिलोंग्स टू द कैनिबोरियस मैमल फैमिली, ये मांसाहारी एक मैमल फैमिली से बिलोंग करता है, इट हैज़ लार्ज टस्क एंड अ थिक हैवी नेक, इसके दांत जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं और एक बहुत भारी है इसकी गर्दन होती है, ये है वॉलरस। लास्ट है, इट लिव्स इन द आर्कटिक रीजन, इट फीड्स ऑन एनीथिंग इट कैन फाइंड लाइक बर्ड्स एग्स एक्सेट्रा, इट प्रेफर्स टू कम आउट एट नाइट, ये है जो है ये आर्कटिक रीजन में पाया जाता है, और ये खाने के लिए इसको मतलब कि ये बर्ड्स भी खाता है और ये एग भी खा लेता है, और इट प्रेफर ये रात में बाहर आना पसंद करता है, ये है आर्कटिक फॉक्स।